पिछली बार हमने बात की थी कि धामू फर्नीचर स्टूडियो में बेडिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, और आज हम फिर से निशान जी से बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास लिविंग रूम के लिए क्या क्या फर्नीचर्स अवेलेबल हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। हेलो निशान जी, बताइए। पहला हम आपको एक फोर सिटिंग डाइनिंग टेबल बताते हैं। दिस इज़ अगेन इनटू अ शीशम वुड विद सर्टन ग्रूविंग्स ऑन टू दैट। आप देख सकते हैं चेयर्स पे भी जो ग्रूविंग का डिज़ाइन है, स्टाइलिश है। दिस इज अगेन इनटू ग्रीन मेहंदी फिनिश पॉलिश। तो ये एक छोटी स्पेस के लिए, छोटी फैमिली के लिए फोर सिटिंग डाइनिंग टेबल एक ही ऑप्शन है। गिवन द स्पेस कंसर्ट आप देख सकते हैं जो भी आज की तारीख में है, तो ये दिस एज अ सेंटर टेबल ऑल्सो, एंड इफ़ यू सी तो कॉफी टेबल के तौर पर भी दिस थिंग इज देयर विद हैविंग अ फोर स्टूल ओवर दैट एरिया, एंड आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑन द बैक साइड ऑफ योर दिस इज वन ऑफ द क्रॉकरी कैबिनेट। दिस इज इनटू अ डार्क ब्लैक पॉलिश, डार्क पॉलिश इनटू क्रॉकरी कैबिनेट्स देयर। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ विच इज अगेन इनटू अ यूनिक एंड हैंड क्राफ्टेड आइटम इज देयर, ये मैंगो वुड के अंदर है टोटली। दिस इज इनटू वाइट पॉलिश इज एज अ बुक शेल्फ। ये बोट शेप जो हमारा नाव का शेप है उसके हाफ ऑफ दैट। इसका कलर बहुत डिफरेंट है। हाँ, कलर इज बिकॉज एक्चुअली इसको रस्टिक पैटर्न में इसको जो हमने पॉलिश किया है विच इज़ अ मशीन पॉलिश इटसेल्फ, तो उसको लुक जो हम देते हैं वो इट इज़ लाइक अ विंटेज से 50 ईयर्स 100 ईयर्स पुराना कुछ आपको पीस हो। तो अकॉर्डिंगली इफ यू मूव फॉरवर्ड हियर इज अ बिगर डाइनिंग टेबल विच इज़ अ सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल। ये अकाशिया वुड में है, बबूल वुड में। अकाशिया की स्ट्रेंथ जो है इट इज़ एज गुड एज टीक वुड। एज कम्पेयर टू शीशम इट इज मोर इन टू स्ट्रेंथ। तो ये आप देख सकते हैं ये टोटल सिक्स सीटिंग डाइनिंग में है पूरा। सो दिस थिंग वी हैव इन अदर ऑप्शन। सो बेसिकली हम कहें कि ये बहुत ही मजबूत फर्नीचर है। एनी टाइम एज कम्पेयर टू दी अदर ट्रेडिशनल फर्नीचर जो ग्लास टॉप में मार्बल में उसके हिसाब से हैं, तो दिस इज लाइक मतलब आया है तो इट इज जस्ट फॉर जनरेशन जी। सो नेक्स्ट इन लाइन डाइनिंग में ये आप देख सकते हैं दिस इज इन टू शीशम। ये शीशम में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कार्विंग पैटर्न इसमें टेबल पे चेयर्स की तरफ ये कार्विंग में है। अगेन दिस इज सिक्स सीटर बट ये थोड़ा सा अगर आप देखें एज कम्पेयर टू दैट टेबल, टेबल इज कम्पेटिवली इन अ शॉर्ट पैटर्न। सो द पॉलिश इज अगेन ये गोल्डन हनी फिनिश पॉलिश में है। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव इन टू डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिजाइन। वी डू कीप अपडेटिंग ऑल दिस थिंग्स इन आवर सेल्फ। सो निशान जी, मुझे बताइए बेसिकली ये किस रेंज में आ जाते हैं? आर दे वेरी अफोर्डेबल? और लोग मतलब आपके पास अगर आपके क्लाइंट्स आते हैं तो वो जिस रेंज में वो चाहते हैं उस रेंज में ये आ जाते हैं? रेंज डेफिनेटली यस, इट इज आई वुड से कि अफोर्डेबल रेंज तो है ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज समथिंग नॉट अफोर्डेबल। आई वुड से फोर सीटर अगर अपन डाइनिंग है तो इट इज अराउंड 30-35,000। ओके, एंड सिक्स सीटर डाइनिंग में हम जाते हैं तो 40-50,000 की रेंज में रहता है। बट दैट अगेन डिपेंड्स बिकॉज मेनी टाइम द कॉस्ट कॉम्पोनेंट, रॉ मटेरियल्स हैं, कॉम्बिनेशन है, वुड की स्कैसिटी रहती है जनरली, तो उसके कॉम्बिनेशन में इट कीप्स अप्स एंड डाउन। सो बट इन जनरल द रेंज इज देयर। So that's very nice, very nice. So next in line, you can see this is again one of the crockery cabinet. This is taller in the size, but with again the polish is golden honey finish with the glasses on that. So as a crockery cabinet, yeah, as a bookshelf, if you use karna chahe, then usko definitely you can be a place in your living area. Yeah, and it's look very classy also. Yeah, it's so basically you can see very decent and the standard finish itself. Nothing carving, no such thing with like this. Yes. निशान जी, ये फर्नीचर मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है और इसकी शेप भी बहुत डिफरेंट है बाकी फर्नीचर से, तो इसकी क्या खासियत है? ये कल्पना जी, अगर आप इसका पैटर्न आप देखेंगे तो जस्ट इट इज़ इन टू अ रॉ लुक। ये बेसिकली दिस इज नोन एज अ लाइव एज फर्नीचर्स। लाइव एज मतलब जो वुड के हमारे प्लैंक्स होते हैं, जो वुडन के डायरेक्टली जो प्लैंक आता है, हम उसी पैटर्न पे ही उसको उसी के साथ ही कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। तो आप इसका टेबल देखें, स्टूल्स वगैरह आप देखेंगे तो इट इज़ जस्ट इट इज़ इन टू अ रॉ लुक ओनली। जो बाय नेचर आया है उसी को हमने एज इट इज़ ही वापस रीडिफाइन किया हुआ। आजकल बीइंग अ स्टडी टेबल आल्सो, बीइंग इन टू डाइनिंग टेबल आल्सो, और एज एन आउटडोर फर्नीचर इन योर फार्म हाउस वगैरह, वहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन generate is being used. Yes. So sitting range में मैं आपको बताऊँ तो जैसे ये raw look में हो गया, we have into certain finished item also, we have certain tea tables, chairs accordingly with them. हमारे पास में कुछ काफ़ी कुछ डिज़ाइंस हैं जो फोल्डेबल चेयर्स हैं, फोल्डेबल टेबल्स हैं, बिकॉज अगेन वी हैव इन टू स्पेस कंसेंट है, तो कुछ वैसे हैं जहाँ पे स्पेस पूरा है, तो हमारे पास में फिक्स टेबल्स हैं। वी हैव बार कैबिनेट्स ऑल्सो। बार कैबिनेट्स अगेन दे आर सर्टन विच आर बल्कि, कुछ ऐसे हैं जो फोल्डेबल हैं, बार कैबिनेट्स हैं, बार स्टूल्स हैं, बार चेयर्स हैं। सो वी हैव वाइड वैरायटी एंड वाइड रेंज ऑफ सिटिंग एंड टेबल्स ऑल्सो इन दिस। सो अगर किसी को बार टेबल डिज़ाइन कराना है तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप उनके अकॉर्डिंगली भी, उनके घर के अकॉर्डिंगली भी
आप डिजाइन करते हैं? बार टेबल डिजाइन वी कैन डू, बट इफ इट इज इनटू लाइक अ शेल्फ और समथिंग फिक्स एरिया दैट वी कैन डिजाइन. सर्टेन आइटम्स व्हाट वी मैन्युफैक्चर दोस आर स्टैंडर्ड, वी कैन रीडिजाइन एज पर द डायमेंशंस. बट ऑल टुगेदर समथिंग इनटू न्यू, डेफिनेटली वी वुड लव टू, बिकॉज देयर विल बी न्यू डिजाइनिंग फॉर आवरसेल्फ आल्सो. बट यस, वी कैन डू इट, नो इशू इन दैट. निशांत जी, ये लिविंग रूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी के घर के लिए, तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही सुंदर सुंदर मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं. लाइक ये जो सोफ़ा है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसका कवर भी बहुत ही सुंदर है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप मुझे थोड़ी सी दीजिए कि ये इसमें और वैरायटी कितनी है आपके पास. कल्पना जी, आप देखिए, हम लोग एक्चुअली जैसा हमारा ये मानना है कि कोई भी फर्नीचर हो वो अपनी खुद एक कहानी अपने आप एक्सप्रेस करता है. तो ये आप देखेंगे, जैसे ये एक जो पैटर्न है, दिस इज टोटली इनटू वाइट शेड एंड इनटू फ्लोरल बैकग्राउंड, तो ये एक थोड़ा सा कलरफुल और लाइवली एनवायरनमेंट आपको देते हुए है. इट्स अगेन इनटू शीशम वुड, वुडन पूरा बेस लेते हुए और फैब्रिक का है. सिमिलरली अगर आप ये वाला सोफ़ा देखेंगे इस तरफ, सो इट इज़ मोर ऑफ इनटू मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी लुक. ये जो इसका हमने फैब्रिक जो लिया हुआ है, इट इज़ इनटू पेस्टल कलर्स. और ये जो है, दिस इज इनटू अकाशिया वुड, बबुल वुड के साथ में. तो अगेन है, बोथ थिंग्स आर इनटू फर्नीचर, बट द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टोरी इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम. सो ये लिविंग रूम के लिए जो हमारी खूबसूरती है उसको बढ़ाता है, तो साथ में लिविंग रूम की इस खूबसूरती को बढ़ाते हुए ये चीजें भी मुझे बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, तो मुझे इसके बारे में बताइए कि ये क्या. दीज ऑल आर योर वॉल हैंगिंग, जो होम डेकोर यूनिट है हमारी, उसके रिस्पेक्ट में है. वाइट फ्लावर के पैटर्न में है, टी बर्ड्स हैं, साइकिल्स हैं, सिंगिंग डॉल्स वगैरह हैं. इवन इफ यू कैन हैव दिस, दीज ऑल आर फाइबर म्यूजिशियंस. ये आप देखेंगे तो जो लाइव एज जो ट्रंक होता है पेड़ का, उसी का एक ये सेंटर टेबल और साइड टेबल, वट एवर यू कैन से, उस पर हम ये कॉम्बिनेशन जो है अकॉर्डिंगली. ये एक है कॉर्नर टेबल विच इज इन टू सिस्टमैटिक एंड कंटेम्प्रेरी लुक. बेसिकली वो रफ लुक एंड रॉ लुक में है, ये जो है एक थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी लुक में है. ये ट्रे की तरह भी, ट्रे की तरह से, बिल्कुल बिल्कुल. अगर हमारे घर कोई आता है तो हम कॉफी या चीज सर्व करते हैं, तो ये उसमें गिरने का डर भी नहीं होता. गिरने का भी डर नहीं. एक टेबल की जगह एक ट्रे का लुक दिया है. जी जी बिल्कुल. एंड यू कैन हैव अ लुक, आप दोनों में आप देखेंगे मेटल लेग्स दिए, सो इसकी ड्यूरेबिलिटी आपका ये बढ़ा देता है. निशान जी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सोफ़ा मुझे नज़र आ रहा है और ये बहुत ही सुंदर और थोड़ा रॉयल लुक दे रहा है, तो इसकी रेंज क्या है और ये सोफ़े की क्या खासियत है? ये कल्पना जी, अगेन शीशम वुड में है. मेनली आप देखेंगे तो इसमें जो हम देशी भाषा में कहते हैं, जैसे नकाशी जिसको कहते हैं, तो मोर ऑफ अ कार्विंग वर्क इज देयर इन ईच एंड एवरी सीट. यू कैन सी मोर ऑफ अ कार्विंग वर्क इज देयर. तो वो जो अभी हमने सोफ़े देखे वो थोड़े से मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लुक के सोफ़े हैं. Something in today's, but these things are there, जो कि एक heritage look आपको वापस pass on करे. तो depending upon your, आपके घर का जो interior है या आपका जो taste है, उसके combination में we have different different varieties. Range अगर आप पूछेंगे तो this is around 70,000-80,000 nearby. और वो जो हमने जो contemporary modern contemporary look के sofas हैं, वो around 50,000-55,000 के रेंज में रहते हैं. Okay, that's so nice, very nice. So thank you so much निशांत जी कि आज आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई और इतने सारे सुंदर सुंदर फर्नीचर्स दिखाए जो कि हमारे घर को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू वेरी मच. सो दिस वॉज धामू फर्नीचर स्टूडियो और आज आपने यहाँ पर मेरे साथ सारी चीज़ें देखी जो आपके घर को बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं, लाइक लिविंग एरिया, बेडरूम, एवरीथिंग. सो सारे फर्नीचर बहुत ही ब्यूटीफुल थे, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए और अपने घर के लिए सुंदर सुंदर फर्नीचर खरीदना चाहिए. सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड कीप वॉचिंग उदयपुर.